सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। देखिए ये एक पक्का वादा है, लेकिन धन्य कुंजी या वचन की सच्चाई यही है। पवित्र आत्मा आने के बाद, कहिए पवित्र आत्मा आने के बाद, फिर से कहिए, जब तक वो ना आए कुछ नहीं होगा। जब तक वो ना आए आपको या आपके साथ कुछ नहीं होगा। हमें उसके नजदीक जाना है, उससे धन्य संगति रखनी है, क्योंकि प्रभु हमारा उपयोग करने से पहले उसे आना चाहिए। बात से पहले इन आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में नई शिक्षा सिखा रहे हैं। वो त्रिएकता का सदस्य है जो सेवा के लिए हमें सामर्थ्य देता है, और आज इस संदेश का पहला भाग आप देखेंगे और इस कारण जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। प्रभु का वचन कहता है कि वो एक व्यक्ति है, एक जवान के रूप में। ये मेरे लिए प्रकाशन था, क्योंकि किसी ने मुझे नहीं बताया और मुझे खुद को याद दिलाना पड़ा कि मैं एक व्यक्ति से व्यवहार कर रहा हूं, किसी प्रभाव से नहीं, ना ही सामर्थ्य से, लेकिन एक असली धन्य व्यक्ति से। अब मेरे साथ निकालिए ये धन्य वचन, रोमियो 8 वचन 26 और 27। वचन कहता है कि उसमें बुद्धि है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है। आगे बढ़िए प्लीज। मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की अनुसार विनती करता है प्रभु के वचन के अनुसार। अब प्रभु का वचन हमें बताता है कि उसका मन है, उसका अपना मन है। आपको त्रिएकता के बारे में कुछ समझना होगा, ये एक भेद है। लेकिन पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक दूसरे से अलग है, फिर भी एक है, और वो एक दूसरे से अलग है फिर भी एक। पवित्र आत्मा का अपना मन है। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 2:10-11 में, परंतु परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। परमेश्वर को किसी भी जगह के किसी भी व्यक्ति से उत्तम जानता है। वास्तव में पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहराई जानता है, और वचन कहता है कि केवल प्रभु की गहराई ही नहीं जानता है, लेकिन ये उसका आनंद है कि इसे आप पर प्रकट कर। केवल जब आप उसे पाने के लिए साफ हो। यीशु ने कहा जिस पर वो चाहे उस पर पिता को प्रकट करता है। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में हमें कुछ समझना होगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में केवल वही प्रभु की गहराई को जान सकता है और खोज सकता है प्रभु को। इसके बारे में सोचिए, ये एक महिमामय भेद है। आगे बढ़िए। चलो, कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा। यानी आपकी अपनी आत्मा से बढ़कर आपको कौन अच्छे से जानता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। यानी ये कह रहा है कि उसमें केवल बुद्धि ही नहीं है, उसमें अपनी इच्छा है। इसे कभी 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 ना भूलिए। इस खोज ने मानो मेरा जीवन बदल दिया। उसकी अपनी अलग इच्छा है। अब मेरी ओर देखिए प्लीज। पवित्र आत्मा इतना अलग है पिता और पुत्र से कि वो निर्णय ले सकता था कि यीशु को मुर्दों में से न जिलाए। उसकी अपनी इच्छा थी। वो यीशु के लिए इतना विश्वास योग्य था। मनुष्य बनने से पहले यीशु ने खुद को उसे सौंप दिया, ये जानते हुए कि केवल पवित्र आत्मा उसे बचा सकता है और सामर्थ्य देकर उसे मुर्दों में से जिला सकता है। इन सब के लिए पवित्र आत्मा को अपना निर्णय लेना था। वो आधे रास्ते में अपना निर्णय बदल सकता था, और हमारी कभी उद्धार नहीं होता, और यीशु मरकर कभी जी नहीं उठता। जब यीशु स्वर्ग से उतरा
वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था पवित्र आत्मा के बिना। पवित्र आत्मा की अपनी इच्छा है, कहिए से। देखिए, बाइबल तो यही सिखाती है, वो एक व्यक्ति है पिता और पुत्र से पूरी तरह से अलग। इसी ने मुझे चकित किया एक जवान विश्वासी के नाते कि यीशु ने उस पर कितना भरोसा किया। बाइबल ये भी कहती है कि जब यीशु ने खुद को पिता को सौंपा, उसने खुद को पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। यानी जब पिता ने उससे पूछा क्या तुम जाओगे, यीशु ने कहा मैं केवल एक शर्त पर जाऊंगा, अगर पवित्र आत्मा मुझे बचाए रखेगा, मुझे सामर्थ्य देगा और मुझे लौटा लाएगा। पवित्र आत्मा ने कहा मैं सिखाऊंगा, उसने कहा मैं तुझे पूरी तरह से समर्पित होता हूं। यानी यीशु मसीह ने खुद को पवित्र आत्मा को समर्पित किया और खुद को पवित्र आत्मा के द्वारा दे दिया है। इब्रानियों के अंदर अगर पवित्र आत्मा आधी रात में अपना मन बदल दिया होता तो क्या होता। वो समय पर आया यरदन नदी में, जब यीशु पानी के बपतिस्मे से बाहर आया, पवित्र आत्मा ने अपना वादा निभाया और वो आया, उसे सेवकाई के लिए अभिषेक दिया, वो उसके जीवन पर पूरा नियंत्रण कर रहा था, यहां तक कि परीक्षा किए जाने के लिए उसे जंगल में ले गया, उसे सामर्थ्य के साथ वापस लाया, उसे अभिषेक दिया और यीशु के द्वारा महान काम किए। वो काम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा किए गए थे, यहां तक कि अशांति भी नहीं जाती अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो। यीशु ने कहा होता कि शांति आए और कुछ नहीं होता अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो। स्वयं यीशु ने कहा कि अगर मैं प्रभु की आत्मा से शांति देता हूं, यानी वो किसकी सामर्थ्य थी, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। और आपके लिए मेरा सवाल ये है कि अगर यीशु को पवित्र आत्मा की इतनी जरूरत थी तो आपके बारे में क्या, अगर यीशु उस पर इतना आधारित था तो हमारे बारे में क्या, अगर यीशु ने उस पर भरोसा किया तो क्यों ना हम भी भरोसा करें। वो है विश्वास योग्य, कहिए। वो यीशु के लिए इतना विश्वास योग्य था कि उसे एक बार भी असफल नहीं किया। हालेलुया। और यीशु पवित्र आत्मा को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे पूरी तरह समर्पित हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी अपनी इच्छा, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा क्या तुम जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना पुत्र दे दिया। यीशु ने आकर पिता की इच्छा पूरी की, लेकिन ये प्रभु का आत्मा था जिसने प्रकट किए मनुष्य के दिल में मसीह यीशु के धन्य का। ये उसकी सामर्थ्य थी जो वास्तविकता लाती थी। उसने कलवरी के काम प्रकट किए, यानी पिता ने इसे कहा, यीशु ने इसे किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसे प्रकट किया। पवित्र आत्मा के बिना आप कभी नहीं जानेंगे कि क्या हुआ। कहिए, पिता ने इसे कहा, यीशु ने इसे किया। अब अगर पवित्र आत्मा इसे प्रकट नहीं करता तो आप कहां होते। यीशु की मृत्यु के बाद मसीहियत एक पल भी जी नहीं सकती थी, लेकिन यह सच्चाई है कि पवित्र आत्मा आया, वो प्रकट करने आया, वो महान प्रकट करने वाला है। मसीहियत एक प्रकाशन है, कहिए से। यह धर्म नहीं है, यह एक प्रकाशन है, यह मसीह यीशु का प्रकाशन है। लेकिन महान प्रकट करने वाला कौन है, पवित्र आत्मा। उसके बिना आपने यीशु को नहीं जाना होता, प्रभु के वचन को नहीं जाना होता। कोई बाइबल नहीं होती अगर उसने भविष्यवक्ताओं को प्रभु वचन प्रकट नहीं किया होता तो। इसलिए उसकी अपनी इच्छा है और उसकी अपनी भावनाएं हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। इसलिए बाइबल कहती है एफिसियों 4 में, क्या आप इसे मेरे लिए पढ़ेंगे प्लीज, मैं चाहता हूं कि आप वचन 29 और 30 पढ़ें। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। अब ध्यान दीजिए प्लीज, यही तो उसे शोकित करता है। लोग जो कहते हैं उससे वो शोकित होता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले,
और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आगे बढ़िए। ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और आगे बढ़िए। और पवित्र आत्मा को शोकित न करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। लोग जो कहते हैं उससे उसे शोकित करते हैं। कोई गंदी बात न निकले और पवित्र आत्मा को शोकित न करे। केवल वही परमेश्वरत्व का सदस्य है जो शोकित होता है और चोट खाता है। वो बहुत ही सचेत है। आज मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं सबसे सामर्थ्य तरीके से कि आपकी पहचान उससे करवाऊं जो आपको उपयोग करेगा। पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आपने ये सुना? आप लोगों को सिरकाय में पढ़ाकर नहीं ला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी उससे पहचान करवाऊं। वो है एक व्यक्ति, बुद्धि, इच्छा, भावनाएं हैं। पवित्र आत्मा को शोकित न करो जिससे तुम पर छाप लगी है। बाइबल हमें बताती है रोमियो अध्याय 15 वचन 30 में, इसे हमारे लिए पढ़िए जी। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ। देखिए, आत्मा का प्रेम प्रभु यीशु के प्रेम के कारण और आत्मा के प्रेम के कारण। रुकिए एक मिनट। मैंने लोगों को कहते सुना है कि यीशु मुझसे प्यार करता है कई बार, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया है कि पवित्र आत्मा मुझसे प्रेम करता है, लेकिन वो करता है। क्या आपने मेरी बात सुनी? कहीं यीशु मुझसे प्यार करता है, ये मैं जानता हूं। अब कहिए पवित्र आत्मा मुझसे प्यार करता है, ये भी मैं जानता हूं। वचन यही कहता है। हम ये सुनते हुए बड़े हैं कि यीशु मुझसे प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। बिल्कुल, ये प्रभु के वचन में है। अब प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना की कि आप प्रतिदिन उसकी संगति जाने। देखिए दूसरा कुरिन्थियों, मैं चाहता हूं कि आप सब अध्याय 13 वचन 14 देखें। इसे अब स्टीव हमारे लिए पढ़ेंगे। यहां हम एक अद्भुत प्रार्थना देखते हैं। वो संगति, सहभागिता, कैनोनिया ग्रीक शब्द है, पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ है। यीशु उस संगति में चलता था, प्रेरित उस संगति में चलते थे, संत उस संगति में चलते थे। अब वचन ये शब्द कहते हैं, इसे पढ़िए प्लीज। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हो, आमेन। अब वो यहां प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और आत्मा की सहभागिता। कितने लोगों को प्रतिदिन प्रभु का प्रेम चाहिए? कितने लोगों को प्रतिदिन प्रभु का अनुग्रह चाहिए? तो उसकी संगति भी चाहिए। हम चाहते हैं उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, लेकिन संगति को कभी ना भूलिएगा। यही संगति आपको जीवित रखती है। कहिए संगति। अब ये संगति यानी सहभागिता मतलब उससे मिल जाना, मतलब उससे सहभागी होना, उसके साथ काम करना, उसके साथ चलना, यही है विश्वासी के जीवन का सबसे बड़ा भेद। ये सामर्थ्य के लिए भेद है, ये विजय के लिए भेद है, ये पाप और दुष्ट पर सामर्थ्य के लिए भेद है। कितने लोग पूरी तरह से पाप से आजाद होना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए, जहां प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? आजादी। वो जहां है वहां आजादी है। अगर आप आजादी चाहते हैं तो आजादी मत ढूंढिए, पवित्र आत्मा को ढूंढिए।
वो जहां है वहां आजादी है। मेरे साथ कहिए, जहां आत्मा है वहां आजादी है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वही आजादी।